माइटी फैमिली कैसे हैं आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बकराईद स्पेशल आज मैं आपको दो रेसिपी बनाना बता रही हूँ। एक स्वीट रेसिपी बनाऊंगी जो मैंगो की गुलाब जामुन बनाना बताऊंगी मैं, और एक यह है टिक्का बोटी मसाला फ्राई। तो इधर पे इस तरीके से क्यूब ले लिए, ये मैंने आधा किलो ले लिया था। चाहे मटन से बना ले चाहे बीफ से बना ले, तो इस तरीके से मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब में काट के इसको मैंने आधा किलो ले लिया था। ये आधा किलो है, ये मटन है। आप बीफ से बनाना चाहे तो बीफ से बना सकते हैं। इसमें मैं डाल दूँगी नमक और हल्दी। ये तिक्का मसाला बोटी है तो इसको हम गलने के लिए रख देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट, बस इसमें अभी इस वक्त कुछ नहीं डालना है, बस अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक, और इसको हम रख देते हैं गलने के लिए। जब ये गल जाएगा ना तो इसमें फिर मसाले हम लगा के और एक स्टिक पे चढ़ा के इसको फ्राई करेंगे। इसको हम गलने रख देते हैं। गोश्त को मैंने गला लिया था, ये गोश्त अच्छे से गल गया हुआ है, देखें। तो इसको मैं रख दे रही हूँ एक साइड में। मैंने इधर एक प्लेट ली, इसके अंदर हम बना लेंगे सारे मसाले। तो उसके लिए मैंने ले लिया एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि गोश्त में भी ऑलरेडी नमक है। और इसमें डाल देंगे ये है ना, मैं शान का चाट मसाला थोड़ा सा, गरम मसाला, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च भी डालेंगे, थोड़ी कुटी हुई मिर्च डालेंगे, दो चम्मच दही, पानी निकला हुआ दही डालना, थोड़ा सा लेमन, ऊपर से भी हम लेमन डालेंगे इसलिए मैं इसमें थोड़ा डाल रही हूँ। और ये सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भुना हुआ 2 टेबल स्पून बेसन, इसको मैंने भून लिया है, रोस्ट कर लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं डालूंगी अभी टिक्का मसाला, इसके अंदर मैं डाल दूंगी नेशनल का मेरे पास टिक्का मसाला है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कलर, आप डालना चाहे तो, नहीं तो नहीं। ऊपर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल, मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ कलर और 2 ड्रॉप पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया था। अब हम इस बोटी को इसके अंदर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको कोयले का धुआं देंगे या बाद में भी आप दे सकते हैं। और बाद में और इस पर इसको इस स्क्वायर पे चढ़ाएंगे लकड़ी की स्टिक पे, इस तरह से स्टिक पे चढ़ाएंगे। मेरे पास बड़ी वाली नहीं है तो मैंने ये टूथपिक ले ली है, मैं इसके ऊपर चढ़ा लूँगी 2 से 3 बोटी जितनी आएगी उतनी। अब बड़े वाले अगर स्टिक है आपके पास तो बड़े वाले पे चढ़ाएं, मैं इस पे चढ़ा लूँगी, मेरे पास बड़ी वाली स्टिक नहीं है। तो इसको पहले अच्छे से मिक्स करते हैं, कोयले का धुआं देते हैं, फिर इसको स्टिक पे चढ़ा के फ्राई करेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करके इधर कोयले को मैंने जलने के लिए रख दिया था, कोयला जल गया है। इसको दे देंगे थोड़ा सा कोयले का धुआं, ढक्कन बंद कर देंगे, 5 मिनट रखेंगे इसको। बाद में फिर स्क्वायर पर चढ़ाएंगे इस तरह से स्टिक पे, और इसको फ्राई कर लेंगे। मैंने कोले का धुआं दे दिया था, कोले का धुआं देने के बाद मैंने इसके ऊपर 3-3, 4-4 बोटी चढ़ा दिए क्योंकि मैंने बहुत छोटी छोटी बोटी बनाई थी। अब इसके अंदर ये मसाला थोड़ा सा बच गया है तो ये मसाला भी हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे और फ्राई कर देंगे। अच्छे से इसमें मसाला लिपट जाना चाहिए। मसाला पूरा प्लेट से मैंने पोंछ लिया है, जो भी मसाला बचा है पोंछ के हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे और फ्राई कर लेंगे। तो अभी फ्राई कर लेते हैं इसको, तेल डाल दिया गरम होने के लिए। अब हम इसमें एक एक पीस इस तरीके से फ्राई करने रख देंगे और हल्की आंच पर फ्राई करना है। गोश्त हमारा गला हुआ है, सिर्फ हमको ये मसाला जो है ये फ्राई होना चाहिए, बस गोश्त हमारा ऑलरेडी गला है। तो बस इसको रख देंगे हल्का हल्का, मीडियम आँच पर रखें, हल्की आँच पर रखेंगे दोनों साइड, सब जगह से इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं बस। ये हमारा टिक्का बोटी मसाला रेडी हो गया। और इसमें मैंने जो कोयले का धुआं दिया था ना, बहुत ही अच्छा इसमें खुशबू आ रही, फ्लेवर आ रहा है और आएगा। बस इसको हम इसी तरीके से अच्छे से लाल फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारी मसाला बोटी, टिक्का मसाला बोटी रेडी हो गई है।
ये मैंने निकाल के इसको डिश आउट कर लिया है। अभी मैं आपको मैंगो का गुलाब जामुन बनाना बता रही हूँ। इधर मैंने मैंगो को पीसेस करके रख लिया और एक मैंगो को मैंने ग्राइंड कर लिया। बनाना कैसा वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने इसको डिश दिया था आपको एक बहुत ही टेस्ट डिज़र्ट बनाना बता डिज़र्ट नहीं गुलाब जामुन मैंगो गुलाब जामुन बनाना बता रही हूँ। तो इधर मैंने ले लिए घी या बटर जो भी ले लें। मैंने एक टेबल स्पून ले लिया है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/4 कप रवा। रवे को हम भून लेते हैं। रवे को हम अच्छे से भून लेंगे। रवा जैसे ही रोस्ट होएगा ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी दूध और मैंगो का पल्प। रवा हल्के से रोस्ट हो गया इसके अंदर मैं डाल दूँगी दूध। दूध हम 1 कप डालेंगे क्योंकि रवे को इसमें ये फूलेगा रवा। ये इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से दूध में और इसमें मैं डाल दूँगी मैंगो का पल्प। एक मैंगो को मैंने ग्राइंड कर लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 कप शुगर। शुगर आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो मैंगो मीठा है तो ये अपना मीठा होगा। अगर आप मैंगो मीठा नहीं है तो आप इसमें शुगर डाल सकते हैं। तो मैं 2-3 टेबल स्पून इसमें शुगर डालूँगी। इसके अंदर ये शुगर डाली थी, ये देखिए शुगर है। इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून मैंने शुगर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 ड्रॉप येलो फूड कलर। फूड कलर भी डालना ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं वरना ऐसे ही बना सकते हैं। अब इसको हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता। पूरा पानी हम इसका ड्राई करना है, इसको थिक करना है। तो हम इसको कंटिन्यूसली चला लेते हैं। देखिए मैं कंटिन्यूसली चलाते जा रही थी, इस तरीके से पेन छोड़ दिया है और रवा भी फूल गया अच्छे से। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसको ठंडा होने देंगे, बाद में हम इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। इधर रवे को निकाल दिया, मैं ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। बाद में हम इसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे और इसको स्टीम कर लेंगे ताकि एकदम ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसके इसको रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए। और इधर रख दिया है मैंने 2 से 2.5 कप दूध। दूध के अंदर डाल देंगे 1/4 कप शुगर और 1 टेबल स्पून को मैंने कॉर्नफ्लोर को घोल के रख लिया वो डाल देंगे। और इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा फूड कलर डाल दूँगी इसमें येलो, जो हम ऑरेंज में डाले थे। अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें, फूड कलर ऑप्शनल है। सो कंटिन्यूसली चलाएंगे। थोड़ा सा 2 ड्रॉप मैंने कलर डाल दिया था येलो कलर। अब इसमें मैं थोड़े से कटे हुए काजू बादाम किशमिश वो डाल देंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे। हमको ये थोड़ा सा थिक चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं, थोड़ा सा। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगी। देखिए मैं इसको कंटिन्यूसली चलाते जा रही थी, ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाले ना थोड़ा सा थिक हो गया। तो बस हमको इतना ही थिक चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। तो इसको हम चूल्हा बंद करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लेते हैं। और अभी जो रवा मैंने बना के रखा उसके हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। ठंडा हो गया, अब मैं इसके छोटे छोटे से गोल गोल बना लूँगी गुलाब जामुन। इसके अच्छे से हाथ में तेल या पानी लगा के इसको गोल गोल छोटे छोटे से इतने साइज़ के हम बना लेंगे गुलाब जामुन। ये रवे के मैंने छोटे छोटे से बॉल बना लिए, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बना है। फिर भी मैं इसको स्टीम में 5 मिनट के लिए रख दूँगी। इधर मैंने ये रखा हुआ है इस तरीके से, इसको एक एक पीस हम उठा के रखेंगे और इसको स्टीम करेंगे। 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, थोड़ा सा ये स्टीम हो जाए। फिर हम मैं इसको निकाल के जो मैंने दूध बनाया हुआ है ना उसके अंदर डालेंगे। तो ये हमारा मैंगो गुलाब जामुन रेडी होएगा। नीचे पानी पक रहा है, इसको रख के 10 मिनट के लिए हम स्टीम कर देते हैं। तो ढक्कन बंद कर देंगे ना, 10 मिनट में ये स्टीम हो जाएगा। मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था तो ये स्टीम हो गया बहुत अच्छे तरीके से। देखिए धुआं निकल रहा है इसमें से, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये बहुत ही एकदम सॉफ्ट बने हुए, तो इसको निकाल लेंगे हम, इसमें दूध में डालेंगे।
को मैंने नॉर्मल ठंडा होने के लिए रख दिया था। देखिए इसमें मलाई जम गई है। मैंने कॉर्नफ्लोर और इसमें फूड कलर और ये काजू बादाम और किशमिश डाल के पका लिया था, थोड़ा सा थिक हो गया। अभी जो इसके अंदर मैंने ये जो बनाया हुआ नहीं डाल देंगे, ये गुलाब जामुन है, लेकिन इसके अंदर देखिए हमें कोई शीरा वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ऐसे ही रहेगा, कोई शीरा वगैरह हम इसमें कुछ नहीं बनाएंगे। और इसमें डाल देंगे थोड़े से मैंगो और थोड़े से मैं ना ऊपर से डालूँगी इस तरीके से। ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा निकाल लूँगी, थोड़े से मैं ऊपर से डाल लूँगी। बस इसको मिक्स करेंगे और सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। काजू बादाम भी मैं रखी हूँ, वो भी मैं ऊपर से डालूँगी। तो इस तरीके से इसको देखिए हम लोग मिक्स करेंगे। बस ये मैंगो गुलाब जामुन हमारा रेडी हो गया। इसको कोई पकाना वकाना नहीं है, मैंने स्टीम में रखा था ना ये, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया एकदम। तो बस ये दूध में रहेगा, हमको इसको पकाना नहीं है। अब इसको मैं निकाल लूँगी सर्विंग डिश में। मैंने रखे थे ना ये, मैंने ऊपर से डाल दिए। अब मैं इसके ऊपर से थोड़े से काजू, कूटे हुए बादाम, काजू मैं रख रही, थोड़े से कूटे हुए बादाम डाल देंगे इस तरीके से, और उसको चिल करके खाएंगे। आप ये ईद में बना सकते हैं, ईद में बनाएं, मेहमान लोग को खिलाएं, मेहमान आने के पहले बनाएं, तो बहुत ही ये डिज़र्ट आपका मज़ेदार। ये गुलाब जामुन, मैंगो गुलाब जामुन रेडी होगा, खाने में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको। तो देखिए मैंने फ्रिज में इसको चिल्ड होने के लिए एक घंटे के लिए रख दिया था, तो बहुत ज़्यादा ये थिक हो गया है। और ये ऊपर अभी आपको ये गुलाब जामुन भी रवे के नज़र आएंगे, मैंगो के थिक हो गया, तो ये ऊपर दिख रहा है। पहले ये पतला था तो अंदर डूब जा रहा था, लेकिन अभी ये आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। बहुत ही मज़े का बना था ये, मैंने टेस्ट किया हुआ था। तो इसमें कोई फ्राई करना या शीरे में डालना ऐसा कुछ नहीं है, आप इस तरीके से बनाए बहुत ही मज़े का बनता है। तो इधर पे सारा काम ख़त्म होने के बाद, कुकिंग होने के बाद इधर हम खाने के लिए बैठ गए थे, तो बहुत ही अच्छा बना था। तो मेरा ब्लॉग या रेसिपी आपको कैसी लग रही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।